नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कथा कहानियों में हम पढ़ते थे किसी ने कोई बुरा काम किया, देश में अकाल पड़ गया। कथा कहानियों में चांद और मंगल के भी खूब किस्से थे, लेकिन आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल पर हमारा यान। लेकिन क्या आप भी हम इस बात पर यकीन करेंगे कि कोई साईं की पूजा कर रहा था इसीलिए पूरे राज्य में सूखा पड़ गया? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ऐसी ही बातें कह रहे हैं। महाराष्ट्र पर सूखे की मार को वो शिरडी के साईं की पूजा का असर बता रहे हैं, और यही वो नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि महिलाएं शनि की पूजा कर रही हैं इसीलिए रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या एक धर्मगुरु के ऐसे तर्क सही है? क्या उनके ये तर्क समाज को मानने चाहिए या फिर उन्हें एक साथ मिलकर सिरे से खारिज करना चाहिए? ऐसे ही कई मसलों पर करेंगे बड़ी बहस खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। वहाँ और पूजियों का अपमान होता है, वहाँ पर दुर्भिक्ष मरण और भय होता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और ये हम देख रहे हैं कि साईं की पूजा अपूज्य है, शिरडी में महाराष्ट्र में ही है, तो उसका ये परिणाम है कि वहाँ दुर्भिक्ष फैल रहा है। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु और ज्योतिषी पीठ के पीठाधीश, पहले ऐसे शंकराचार्य जिनके पास दो पीठ हैं, लेकिन अब वही शंकराचार्य अपने बयानों के लिए विवादों में रहते हैं। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में सूखा पड़ा है, किसानों की हालत खराब है, राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक सूखे से निपटने की चिंता में हैरान परेशान है। लेकिन अब इस विपदा की वजह शंकराचार्य को पता चली है, उन्होंने सूखे को सीधे साईं पूजा से जोड़ा और दे दिया विवादित बयान। और जहां जहां ये सब होता है वहां पर ये निश्चित रूप से होता है। उनको ईश्वर बुद्धि देवे, इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। आज सूखा तो देश के 11 स्टेट में है। गंभीरता नष्ट करने के लिए जब ऐसे बयानबाजी करते हैं, मुझे लगता है साई बाबा छोड़ दीजिए, इस शंकराचार्य को मेरे थाने शहर में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ उसको लाके वहाँ बिठाने की आवश्यकता है। मैं शंकराचार्य जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखती हूँ, आदर रखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है भगवान को उनको अच्छी सद्बुद्धि और ज्ञान देना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य का सिर्फ यही बयान नहीं है जो लोगों को परेशान कर रहा है। अब भले ही महिलाएं शनि शिंगणापुर में चबूतरे पर चढ़कर शनि पूजा करने का जश्न मना रही हों, लेकिन शंकराचार्य की नजर में महिलाओं का ये कृत्य देश भर में हो रहे रेप की वजह है। यानी महिलाओं की शनि पूजा करने की वजह से रेप की घटनाएं होती हैं। और महिलाओं ने जो शनि का भी दर्शन किया और बड़ी विजय मना रही है, डंका पीट रही है, शनि की दृष्टि अब महिलाओं में पड़ेगी तो जो रेप की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आमतौर पे नहीं कहता हूं, लेकिन आज मैं आप सबसे दरखास्त कर रहा हूं कि जमकर ट्वीट कीजिए। आज का सवाल है, क्या शंकराचार्य का सूखे और रेप के लिए साईं और शनि पूजा को जिम्मेदार ठहराना सही है? अगर आपका जवाब है हां तो HTP space Y लिखिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो HTP space N लिखिए। अपनी राय 51818 पर भेजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #SaiShaniVSShankaracharya इसके जरिए दे सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपकी राय को हम इस शो में लगातार दिखाते रहेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य और शंकराचार्य के प्रवक्ता राजकुमार शास्त्री जी। साईं बाबा ट्रस्ट के प्रमुख हरीश अबरोल अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। धर्म उपदेशक और शंकराचार्य के समर्थक HS रावत हमारे साथ आ रहे हैं। धर्म प्रचारक JK बेनीवाल जी यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं। तर्कशास्त्री विकास नौटियाल रैशनलिस्ट हमारे साथ हैं, और समाज सेविका रंजना कुमारी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 बजे हम जब मुद्दे को और आगे ले जाएंगे तो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सह संस्थापक ज़किया सोमन भी हमारे साथ होंगी। तो इस वक्त सबसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं शंकराचार्य जी के आधिकारिक प्रवक्ता राजकुमार शास्त्री जी से। शास्त्री जी, पहले मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं, साईं की पूजा अपूज्य है,
साईं की मूर्ति बनाकर गणेश जी को उनके चरणों में बिठाया जा रहा है, हनुमान जी को साईं के चरणों में बिठाया जा रहा है। ये पूजा का तिरस्कार है और ये महाराष्ट्र में ज्यादा हो रहा है, शिरडी महाराष्ट्र में। उसी का परिणाम है कि वहां दुर्भिक्ष फैल रहा है, सूखा फैल रहा है। 21वीं सदी में ये बात, और आज आप इसका समर्थन करने के लिए हमारे साथ हैं। आकाश जी, देखिए बहुत सारी बातें हैं जो आज समाज को समझने की आवश्यकता है। बीच बीच में जब धर्म की हानि होती है तो हमारे जो महापुरुष हैं शंकराचार्य आदि, ये धर्म के लिए समाज को जागृत करते रहते हैं। आज मैं एक टीवी चैनल में, आपके ही टीवी ये चैनल, समाज को जगाने का काम है, जगाने, समाज को सुलाने का काम है, समाज ये अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करना। नहीं नहीं, अगर अगर महिलाएं शनि मंदिर के अंदर जाएंगी, पूजा करेंगी, तो उस केस में महिलाओं के को लेकर अपराध बढ़ेंगे, रेप बढ़ेंगे। नहीं देखिए, आपने एक साथ ही बहुत सारे प्रश्न कर दिए हैं और एक एक प्रश्न का मैं आपको समाधान करूंगा। अभी मैं आपके टीवी चैनल पर, एक एनसीपी की नेता हैं जो कह रही थी कि शंकराचार्य जी की एफआईआर होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। देखिए आप एक बात बताइए कि जेएनयू जैसे शैक्षणिक संस्थान पर राष्ट्रद्रोही नारे लगाए जा रहे हैं, वहां पर एनसीपी ऐसे व्यक्ति का पोस्टर लगा करके चुनाव का मुख्य मुद्दा बना रही है और वो कह रही है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं राष्ट्रद्रोही नारे लगाने वालों को। और शंकराचार्य जी ने चूंकि एक धर्म की बात कर दी कि ये धर्म है और ये अधर्म है, जिसका शास्त्रों में बकायदा व्याख्या की गई है, और शंकराचार्य जी धर्म की बात कहते हैं, तो आप उनको कहती हैं, एनसीपी की नेता कहती हैं कि उनको उनकी एफआईआर होनी चाहिए और इनको जेल होना चाहिए। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं कि देश की राजनीतिक व्यवस्था या लोगों की सोच को हो क्या रहा है कि पूरी तरह से धर्म की बुद्धि से हटते जा रहे हैं। एक मिनट, आपकी बात मैंने यहां तक सुनी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन विकास नौटियाल, विकास नौटियाल एक बात बताएं, नहीं मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं, विकास नौटियाल एक बात बताएं कि एक समय था जब मुझे लगता था कि अंधविश्वास इतना ज्यादा था कि लोग इस तरह की बातों में विश्वास कर लेते थे, और मुझे जब मैं पहली बार में ये स्टेटमेंट मैंने सुना शंकराचार्य जी का, तो मुझे लगा कि इसके विरोध में ही सारे लोग होंगे, उनके समर्थन में किसी को बोलने के लिए ढूंढना मुश्किल हो जाए, लेकिन ऐसे है नहीं। आज आपकी स्टडीज क्या बताती है, पिछले 15-20 साल में अंधविश्वास कम हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, मैं तो मान रहा हूँ कि बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि जो अपना ये पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो भी डिवाइड हुई है। 15 साल पहले तो शंकराचार्य जी या किसी धर्म के खिलाफ कोई पॉलिटिशियन नहीं कह सकता था, तो लोग कहना शुरू हुए हैं, चाहे उनके अपने राजनीतिक फायदे होंगे, पर वो फायदे तभी हो पा रहे हैं जब कुछ लोग उनकी बात से सहमत होने लगे हैं। और कुछ लोग क्यों सहमत होने लगे हैं, क्योंकि वो आस्था से दूर की बात समझ। आप ये बताइए, जेएनयू में जो हुआ आप उसका समर्थन करते हैं, क्या वो अभिव्यक्ति की आजादी है? एक मिनट, उसका इससे क्या संबंध है? नहीं, उसका बहुत बड़ा संबंध है, उसका संबंध क्यों नहीं है? मैं विकास जी से पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए कि क्या जो जेएनयू में राष्ट्रद्रोह के नारे लगाए गए, क्या वो अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या शंकराचार्य जी को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? भारत की बात कर सकते हैं क्या? इस भारत देश में क्या इस भारत देश में धर्म की बात कहना अपराध है? हमको उनकी बात न मानने की पूरी आजादी है। आपने क्या, आप कह रहे हैं राष्ट्रद्रोह के नारे लगाने की आजादी है जेएनयू में, वो अभिव्यक्ति की आजादी है? नहीं नहीं, एक मिनट, आपका सवाल एकदम क्लियर है, अब नौटियाली को सुन लीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हर किसी को आजादी है अपनी बात कहने की, और हमको आजादी है उस बात को ना मानने की। जो कानून है उसके हिसाब से वो फैसला होगा। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप किसी को सजा दीजिए या शंकराचार्य जी को सजा दीजिए। शंकराचार्य जी ने एक बात बोली, तर्क की बात, विज्ञान की बात, ये कि संभव नहीं है। राजकुमार जी, आप ये मामले को दूर ले जा रहे हैं, वो किसी प्रकार का अपराध नहीं है। देखिए देखिए, शंकराचार्य ने जो कहा वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी थी, और विकास नौटियाल वो बोल रहे हैं जो बोलने के लिए वो आजाद है, तो उनका पक्ष भी सुन ले। विकास नौटियाल, 30 सेकंड। हाँ, दूसरी बात, अगर कोई भी इंसान, देखिए, कोई राष्ट्रवाद की बात करता है या कोई नारे लगाता है, ये तो एक राजनीतिक बात है। इसका राजनीतिक जो तर्क की बात ये है कि अगर कोई भी आदमी वो बात बोलता है जो वैज्ञानिक तरीके से गलत है,
तो उसको गलत साबित करने के लिए राष्ट्र की जरूरत नहीं है, वो तो वैज्ञानिक तर्क या तर्क की कसौटी पे खरी उतरी जाएगी। अगर कोई आदमी कहता है, उदाहरण के तौर पर कोई आदमी कहता है, कोई खास आप नहीं नोट, विकास जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शंकराचार्य जी ने ऐसा क्या शब्द कह दिया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत कहा है, आपको लगता है कि वो राज गलत है विज्ञान की दृष्टि से? आप गीता जी को मानते हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, वो रैशनलिस्ट है, तर्क को मानते हैं, नहीं वो तर्क को मानते हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तर्क किसी आधार पर तो होगा, अपने मन से तर्क थोड़ी होता है। एक मिनट रंजना कुमारी जी जुड़ गई हमारे साथ, को बोलने देंगे तो बता रहा हूं। नोटियाल जी रुकिएगा, नोटियाल जी रुकिएगा, शास्त्री जी रुकिएगा। रंजना कुमारी आप बोले, की बात को कहना अपराध है? रंजना कुमारी आप बोले, क्योंकि पहले इनके कुतर्क को बंद करिए, तब मैं अपनी बात कहूंगी। सबसे बड़ी बात है दो चीजें, एक तो देश को अंधविश्वास के गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं, और दूसरा वर्मा कमीशन के बनने के बाद शायद ये जो शास्त्री जी आपके सूत्र में बैठे उनको जानकारी नहीं है। आप शांत रहिए, पहले आप शांत रहिए, शंकराचार्य जी ने जो अरे देश के प्रधानमंत्री पर बरस रहा है, आप अमेरिका के राष्ट्रपति पर उंगली उठा रहे हैं, बकवास मत करो शास्त्री, हो गया अपने घर में हो गया आप, जिस गीता को भारत के प्रधानमंत्री ले जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति को देते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने सहारा जिस गीता को स्वीकार किया, उसी गीता की बात शंकराचार्य जी ने कह दी। आपको लग रहा है अंधविश्वास है? पहले आप नहीं, आप गीता को अंधविश्वास गीता स्वयं भगवान आपने रख दिया, आप सुनिए, जवाब सुनिए शास्त्री जी। शास्त्री जी आप तब से बोल रहे हैं, आप किसी की बात नहीं सुनेंगे कि तो कोई ये चर्चा नहीं है, ये आपका मोनोलॉग अगर हो रहा है तो आप बोलते रहिए, अगर देश सुनना चाहता है तो आपकी बात सुनेगा, और अगर सुनना चाहता है तो हमारी बात भी सुनेगा। नहीं, आप सबसे अपनी बात देश की महिला का रेप होगा क्योंकि वो शनि के मंदिर में पूजा करती है, ऐसे भगवान ऐसा कोई शब्द निकाल देवता, आप उनके शब्द को तोड़ मरोड़ करके समाज में पेश कर रही हैं। शंकराचार्य जी ने कहा शनि शिक्षा करते हैं, गर्भगृह में महिलाओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए, इनको सुनवा कौन शनि के गर्भगृह में, क्या गर्भगृह है ये? इसका मतलब आपको इसका मतलब आपको सनातन धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है? आप पहले सनातन धर्म को पढ़िए मैडम, ये बंगा जी आप पहले सनातन धर्म को पढ़िए, सनातन धर्म को समझने का प्रयास कीजिए। आप धर्म की बात कर रही है, गर्भगृह की वापस लीजिए, उनको भी बोलने दीजिए। रावत जी शास्त्री जी और साथ ही रंजना जी आपको भी आ रहा हूँ जवाब वापस आपसे लेने के लिए। क्या कर रहे हो? देखिए रावत जी आपने अपनी बात कह दी, एक मिनट शंकराचार्य कहते हैं हिंदू धर्म है, अगर वही हिंदू धर्म है जिसमें आप अपने शब्द वापस लीजिए, करने के बाद आप अपने शब्द वापस लीजिए, हिंदू धर्म का अपमान किया आपने, अगर यही आप अपने शब्द रावत जी जवाब सुन लीजिए, अरे हमसे बड़े हिंदू नहीं हो, बकवास मत करिए, अरे बड़े हिंदू नहीं है, आपने कैसा बोल दिया, कोई गर्भगृह नहीं होता है, आप सारे मंदिरों का अपमान कर रही हैं, और आप सारे मंदिरों का अपमान कर रही हैं, आप अपमान करेंगे तो आप भी जेल जाएंगे, अपमान करेंगे तो आप भी जेल जाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक बात सुन लीजिए, और मैं बेनीवाल जी को भी डिस्कशन में लेना चाहता हूँ। रावत जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए रावत जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात और सुन लीजिए, इसी तरह से भूमाता ब्रिगेड और तृप्ति देसाई अपने मूवमेंट को आगे कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर भी ले जाना चाहती थी, वो वहां पहुंचे उससे पहले महालक्ष्मी मंदिर ने महिलाओं की एंट्री को स्वीकार कर लिया है। बेनीवाल जी थोड़ा सा ये बताएं कि जब रंजना कुमारी जी अभी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, रंजना जी आ रहा हूं मैं आपके पास में, तो उन्हें हिंदू विरोधी कहना ये तो सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बातें शंकराचार्य जी ने बोली है वो सुनने में बड़ी अजीब लगती है, और मैं एग्जैक्ट कोट सुना देता हूँ ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। शनि की दृष्टि जब महिलाओं पर पड़ेगी तो जो रेप की घटनाएं हो रही हैं वो और बढ़ेंगी। आप जैसे व्यक्ति सहमत हैं इससे बेनीवाल जी?
देखिए आकाश जी, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये बता दूं कि डिबेट में मैं प्रार्थना करूंगा थोड़ा सा धैर्य रखें सब, जब सब जन डिबेट वाले, मैं आपसे सबसे पहले तो मैं सनातन धर्मी क्या, मैं कट्टर क्या, मैं तो पैदा ही वहीं हुआ हूं। नंबर दो, मैं एक धार्मिक दृष्टि से आपको बताऊंगा, ध्यान धैर्य सुनिए, दो सवाल हैं आपके, दो क्वेश्चन हैं। जब से ये मोदी सरकार आई है तभी से आप देखिए ये सब, ये जितनी स्टेटमेंटें आ रही हैं तभी से आ रही है, कभी शनि का मंदिर हो, कभी नहीं हो, कभी इसकी पूजा हो, कभी इसकी पूजा हो। मैं किसी शंकराचार्य जी के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी धर्माताओं के विरोध नहीं हूं, लेकिन जो ये स्टेटमेंट आई है, मैं आपकी बात, ये स्टेटमेंट आप सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री, मैं तो भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूं, जब से वो आए हैं, जब से वो आए, सुनिए, जब से वो आए तब से ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा, वो हर मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, तो प्रधानमंत्री देशों में गए, शास्त्री सुनिए, आप सुनिए, आप संस्कार, आप अपने बोले जा रहे हैं शास्त्री जी, उन्होंने किसी की शास्त्री जी, आप आपके भारत के प्रधानमंत्री बना कर रहे हैं, धैर्य रखिए शास्त्री जी, धैर्य रखिए प्लीज, आप सुनिए ध्यान से, क्या शास्त्री जी सुनिए ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि हमसे कट्टर जन हिंदू कोई हो ही नहीं सकता है, हम ये कह रहे हैं जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से ये स्टेटमेंटें क्यों आ रही है, उससे पहले कभी नहीं आई, क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है, इसलिए आ रही है, धार्मिक दृष्टि बताता हूं मैं आपको, अब ये दो स्टेटमेंटें दी है उन्होंने शंकराचार्य जी ने, पहले साई शास्त्री, भारत के भारत के भारत के कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री हमारे हमारे सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की बात मत करिए, आप शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, नहीं, आपने आपने जो दिए हैं, जब से उन्होंने जो स्टेटमेंट जो दिए हैं, ये स्टेटमेंट क्यों आई है, ये जब से प्रधानमंत्री बने तब से स्टेटमेंट आ रही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसलिए आ रही है कि देखिए धर्म के बारे में बता रहा हूं, अब शंकराचार्य जी ने दो स्टेटमेंट दिए, एक तो वो सूखा पड़ा है, वो सूखा साईं की पूजा की वजह से नहीं पड़ा, अरे भैया शंकराचार्य जी आप इतने बड़े पद पे हैं, जब आपको इसी बारे में नहीं पता, सूखा भगवान कभी किसी पे कोप नहीं करते, वेदों में लिखा है शंकराचार्य वेदों, अरे सुनिए ना शास्त्री जी, आप बेकार की बातें कर रहे हैं, शंकराचार्य से श्लोक का आप सुन रहे हैं, इसमें बेकार की टोक रहे हैं, नहीं नहीं आप आकाश जी देखिए हम लोग नहीं बोले, शास्त्री जी, शास्त्री जी, शंकराचार्य जी बोले जा रहे हैं, भाई बोले जा रहे हैं, मुझे आपका माइक का फेडर डाउन करना पड़ेगा, अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपको सुनना पड़ेगा, बाकी लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, हमें शंकराचार्य जी में उंगली नहीं उठा रहे, मैं पीसीआर से कह रहा हूँ, शास्त्री जी का वेटर डाउन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा धैर्य रख नहीं पा रहे, थोड़ी देर के रुक जाए, बात पूरी करें, आपको एक मिनट दे रहा हूं मैं, अबरोली माफ कीजिए बेनीवाल जी, मैं एक मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा, जब से मोदी जी आए हैं मोदी जी के विरोध में ये हवा बनाई जा रही है कि ये जो इनको बदनाम करने के लिए मोदी जी को, आगे आप ये आज ये स्टेटमेंट, आज ये कभी पहले स्टेटमेंट नहीं आई, इन्होंने शंकराचार्य जी ने दो स्टेटमेंट दिए आज की, मैं उसका जवाब देता हूं और धार्मिक दृष्टि से देता हूं, भगवान ने वेदों के अंदर अपना ये उद्घोष किया है कि मैं इस सृष्टि के अंदर आपको पानी, जो मेरे को नास्तिक है गाली देता है वो भी पानी पिएगा मेरी सृष्टि का, वो भी मेरी सृष्टि की हवा लेगा, तो ये कैसे कह रहे हैं कि अगर साईं की पूजा नहीं कर, साईं की पूजा नहीं करोगे तो ये जो सूखा पड़ेगा, बिल्कुल गलत है, ये शास्त्रों के संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नंबर एक मिनट राव जी, एक मिनट राव जी, रावत जी जवाब दे रहे हैं, अभी अभी डिबेट चल रही थी और मोदी जी के साथ ये तृप्ति देसाई वाले कांड की कोई भी लिंक नहीं है, इसमें ये कहा गया था, जो अभी हमारे साथ जो मुस्लिम भी डिबेट में थे और जिसमें हाई कोर्ट ने फैसला दिया है हमारी महिलाओं के पक्ष में कि वो जाके पूजा करें, वहां पर मुस्लिम महिलाओं ने यही इसी चैनल पर यह कहा था और वहां के धर्मगुरु ने यह कहा था कि कब्र के ऊपर पूजा नहीं होती, हम वहां कब्र पर नहीं एंट्री होने देंगे, साईं के अंदर तो कब्र है, तो कब्र में जाकर के पूजा हो रही है तो अनर्थ तो होगा, हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, हमारे शास्त्रों में लिखा है कब्र के ऊपर जाने के बाद स्नान करना पड़ता है, तो जाकर के हिंदू उस कब्र पर क्यों मत्थर रगड़ रहे हैं, जब वहां पर मुस्लिम लेडीज नहीं जाती, वहां वो पूजा नहीं करती है तो फिर क्यों आप जाकर के मत्थर रगड़ते हो वहां, एक मिनट अब आपकी बात हमने सुन ली, रंजना कुमारी जी, रंजना जी मेरा पर शर्त यह कि शास्त्री जी एक शब्द अगर बोलेंगे तो मैं प्रोग्राम छोड़ के उठ जाऊंगी, मैं कुतर कर शास्त्री जी ये पाप आपके सर होगा अगर रचना जी कही तो एक शब्द बोला
रंजना जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, लेकिन धर्म युग की बात बोलिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूँ। नहीं, लेकिन सुनना तो हमें है ही सबकी बात। आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, लेकिन शास्त्र के बाहर मत बोलिए। आप लोगों ने फिर बोलने लगे आप, ना तो दलितों को आपने मंदिर में घुसने दिया, ना महिलाओं को मंदिर में घुसने दिया, और अब आप कुतर, अब तो पूरा जलवायु विज्ञान भी बेकार हो गया। शास्त्री जी, शास्त्री जी, आपने वादा किया था मंदिर में देखा नहीं जाता, मंदिर में कोई भी जाकर के पूजा। शास्त्री जी, आप उनकी बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद। अब एक मिनट आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट पूरा सिर्फ रंजना जी को दें, कोई बीच में ना बोले, जो जो बीच में बोले उसके उसके सर पर पाप जाएगा रंजना जी के डिबेट छोड़ के जाने का। अच्छा देख लीजिए, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि जो आज शंकराचार्य जी ने बोला है वो वर्मा कमीशन के बाद जो कानून बना उसके विरोध में वो बात है। वॉयरिज्म, जिसमें कि आप इच्छा से इस तरह की बात, आप महिला के सम्मान के खिलाफ की बात करते हैं, कानून का हनन हो रहा है। यहाँ पर संविधान का भी हनन है, कानून का भी हनन हो रहा है कि आपने कहा कि अगर शनि की पूजाएं महिलाएं, जो कि मना था, आप करने जा रही हैं तो उन पर रेप बढ़ेगा। ये एक तो ना सिर्फ कानून का विरोध है, उनकी मानसिकता दर्शाता है। उनकी मानसिकता में ये है कि महिलाओं को अब सजा मिलनी चाहिए, और सजा क्या मिलेगी, उनका रेप होगा। मतलब ये हुआ कि समाज में एक तरफ मुलायम सिंह यादव खड़े हैं जो कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज, वो लड़के हैं, लड़के गलती करते हैं तो उसका क्या मतलब, आप फांसी चढ़ा देंगे, और दूसरी तरफ शंकराचार्य जो ये कहते हैं कि अगर आप शनि की पूजा करने जा रही है, जो कि मना है, पता नहीं किसने मना किया, ये शंकराचार्य जैसे लोगों ने ही मना किया होगा, किया है। ये जो पुरुषवादी शास्त्रों ने मना किया है, कोई कहीं नहीं लिखा है, विभेद करता है जो भगवान मर्द और औरत में विभेद करता है, उस भगवान को कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान विभेद नहीं करता है। जाके पार्वती जी का जाप पढ़िए, ठेकेदार है पार्वती जी का जाप पढ़िए, से पुराण पढ़िए, जाकर के विभेद जा करिए। आप पार्वती जी का जाप जो है ना, वो सब अभी की बात नहीं है, आप अभी की बात पहले कम से कम ज्ञान की बातें अपने दिमाग में रखिए। अभी मेरे साथ चलन पे बोलिए, मेरे साथ शास्त्रों पे बहस कर लीजिएगा, मैं भी बनारस की रहने वाली हूँ और ऐसे ही परिवार से आई हूँ, हम खुद शास्त्रों पे बहस करते थे। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूँ, कहीं भी आपने दिखाइए शास्त्रों में कि कहा जाए कि औरतें अंदर नहीं। मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, पहली बात की हमारा शास्त्र संविधान है, मस्जिद में जाता, हिंदुस्तान का शास्त्र, मेरी बात सुनिए, हमारा शास्त्र संविधान है। अरे हमारा शास्त्र देश का संविधान है। मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, सिर पर पल्लक बांधते हैं, आपको एक सर पर कपड़ा क्यों रखते हैं, आपको चलता है संविधान से, धर्म चलता है शास्त्र से, क्योंकि आप लोगों ने धर्म पाखंड बना रखा है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ रंजना जी एक मिनट साड़ी निकाल देते हैं भरी सभा में। रंजना जी सिर्फ एक मिनट सुनिएगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा, और बेनीवाल जी मैं आपकी टिप्पणी इस पर चाहता हूँ, अगर माँ का स्थान सर्वोच्च है जी, एक महिला को पूजा स्थल में आने से फिर आप किस हक से रोक सकते हैं? यह सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला टेम्पल ट्रस्ट से सवाल पूछा है, लेकिन यह सवाल शायद सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं है, यह सवाल इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बल्कि हर धर्म से है जो कि महिलाओं को बराबर का हक नहीं देता। एक बार फिर बोल दूं बेनीवाल जी आपकी कमेंट, अगर माँ का स्थान सर्वोच्च है तो एक महिला को पूजा स्थल में आने से आप किस हक से रोक सकते हैं? किसी हालत भी नहीं रोकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिए हैं,
जो भी आदेश आए हैं, टिप्पणी नहीं, टिप्पणी भी आई है, वो भी सम्माननीय है और बिल्कुल सही आई है। शंकराचार्य जी बार बार ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य जी से पूछना चाहता हूं, वेद शास्त्र में जीव के स्वाय इस मनुष्य पुरुष महिला कहां है? 84 करोड़ हम महिलाओं में जवाब शास्त्री जी फिर भी बोलने लगे, अभी शास्त्री जी को चुप करिए, थोड़ा आकाशी जवाब बोले बात पूरे 30 सेकंड। ये है कि महिलाओं के बारे में टिप्पणी की है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माँ के गर्भ से होती, तो भेदभाव क्यों है? कभी भेदभाव हमारे शास्त्र में भी नहीं है। ये शंकराचार्य जी भेदभाव की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जीव कहा गया है, मनुष्य को, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ जीव की संज्ञा दी गई। इसके अंदर शास्त्रों में इसका नाम जीव है, आत्मा भी नहीं है, इसको बोलते हैं जीव आत्मा, ना पुरुष है ना मर। मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सम्मान करता हूँ, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप सुनेंगे, कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है, नौटियाल जी को बोलने का मौका नहीं मिला। नौटियाल जी केवल, मैं आपको 45 सेकंड दे रहा हूँ, नौटियाल जी को एक बार बोलने दे, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। नौटियाल जी आपकी कमेंट जी। रंजना जी आप पहले बोले। मेरा प्रश्न ये है कि किस शास्त्र में लिखा है कि औरतों को सजा देने के लिए रेप करो? मैं अपनी बात कहूँ, आप मुझसे बोल रहे हैं, ये कहाँ लिखा गया? नोडेल जी आ रहा हूँ आपके पास। शास्त्र में कहाँ लिखा है? बोल रहे हैं क्या? मैं आपसे जानना चाहती हूँ शास्त्री जी से, शंकराचार्य जी देश को बताएं किस शास्त्र में लिखा है कि शनि पूजा करेंगे तो सजा के तौर पर रेप किया जाएगा? ये रेप करना कौन से धर्म में लिखा है? की बात को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। आप शंकराचार्य जी जो कहना चाहते हैं उस बात को ठीक से समझ नहीं पा रही हैं। शंकराचार्य जी केवल ये बात कह रहे हैं, जिस बहस में आप आए हैं। नहीं, मैं बहस में नहीं आया, मैं तो कुछ सीखने के लिए आया हूँ, शायद आपके द्वारा मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। आप पहले शंकराचार्य जी को समझिए, शंकराचार्य जी है कौन? शंकराचार्य जी आप एक व्यक्ति को समझ रहे हैं कि जो दाढ़ी वाले बाबा जी दिखते हैं वो शंकराचार्य है। आपको मालूम होना चाहिए शंकराचार्य एक गद्दी है जिसमें एक करोड़ व्यक्तियों का एक समाहार है, संघ का एक पूरा समाहार है जो शंकराचार्य है। जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं इसका मतलब करोड़ों हिंदू उस बात को कह रहे हैं। शंकराचार्य जी धर्म की बात करते हैं? लेकिन सवाल थोड़ा उठेगा कि क्या सारे शंकराचार्य एकमत हैं इस पर? इस देश को स्वतंत्र कराने में शंकराचार्य को देखिए, महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध किया है, आपने स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध नहीं किया है। एक मिनट, मैं नौटियाल जी के पास जा नहीं पाया हूँ। नौटियाल जी आपको मैं 45 सेकंड दे रहा हूँ, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। नौटियाल जी, शास्त्री जी 45 सेकंड नौटियाल जी के तर्क शास्त्री के बात सुनना भी जरूरी है। क्या नौटियाल जी बोले आप? हाँ देखिए मैं, हाँ एक बात, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो लेडी पैनलिस्ट है मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो ये बात को बोल रही हैं कि भैया इक्वालिटी होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। थोड़ा सा हमें बात समझनी पड़ेगी कि हर धर्म जो है ना वो वुमेन को, औरत को इक्वालिटी नहीं देता है, क्योंकि भगवान जो है वो पुरुष है। तो वो जो बार बार इस बात को कह रही हैं वो बड़ा बोल्ड स्टेप है, मैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बस थोड़ा सा उनको और आगे जाना होगा, उनको ये कहना होगा कि भाई औरतें फिर वो धर्म चुनेंगी जिसमें बराबरी की बात है, और अगर जिस धर्म में बराबरी की बात नहीं है तो उस धर्म को नहीं चुनेंगी वो, तो बिना धर्म के रह लेंगी, बिना भगवान के रह लेंगी। उनको बराबरी चाहिए, और संविधान उनको धर्म बदलने की इजाजत देता है, और बिना धर्म के भगवान को बराबरी का दर्जा दिया जाता हो। बिल्कुल सही कहा, सनातन धर्म मात्र एक ऐसा धर्म है जहाँ पर कोई भी धर्म नहीं देता है, कोई भी धर्म नहीं देता, तत्र देवता कोई भी धर्म बराबरी नहीं देता है, क्योंकि भगवान एक पुरुष है, स्त्री भगवान एक पुरुष है। यह उद्घोषणा केवल सनातन धर्म करता है कि जहाँ पर भगवान का नहीं होता वहाँ पर देवताओं का वास नहीं होता, देवता वही बात करते हैं। अगर आपका भगवान बराबरी देता है तो शनि मंदिर में जाने से क्यों रोक रहे हैं? आपको सनातन धर्म के अलावा पूरे इतिहास के धर्म में और कहीं मिल ही नहीं सकता है। शास्त्री जी ये तो महिलाओं को भी बोलना चाहिए ना फिर, अगर वास्तव में ऐसा है। क्या मैं अपनी बात रखूं? हाँ जी नौटियाल जी, क्या मैं अपनी बात रखूं? क्या मेरी बात? देखिए मैं फिर ध्यान से बताता हूँ, जो जो 21वीं शताब्दी में महिलाओं को ये कहना होगा
कि हम अपने अनुसार से अपना भगवान चुन लेंगे, अपना धर्म चुन लेंगे। वो वही भगवान और वही धर्म होगा जो बराबरी देगा, और ऐसा भगवान धर्म नहीं है तो हम फिर किसी भी भगवान और धर्म को नहीं मानेंगे। उनको इक्वालिटी के लिए फाइट करना होगा, और जब कोई उनको ये धमकाता है कि देखो हिंदू धर्म में ऐसा है या किसी और धर्म में ऐसा है, तो उन्हें ऐसा कहना होगा कि फिर हमें वो धर्म स्वीकार नहीं है, हमें बराबरी पहले चाहिए। एक मिनट, समझी आप जरा जल्दी से, मैं बता दे रह सकते हैं। अब हमारे मेहमान थोड़े से बदल रहे हैं, ये डिबेट जारी रहेगा, लेकिन रंजना कुमारी जी अब हमारे साथ डिबेट पे नहीं, अब ज़किया सोमन हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्योंकि बातचीत का दायरा हम और बढ़ाना चाह रहे हैं, और सिर्फ हिंदू धर्म की बात ना करके इस्लाम की और आगे बढ़कर भी बात करना चाहेंगे। साथ ही साथ हरीश अबरोल जी, जो साईं बाबा ट्रस्ट के प्रमुख हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात आगे बढ़े, बाकी सारे मेहमान अभी हमारे साथ हैं, उसमें सबसे पहले मैं ज़किया सोमन जी आपसे जानना चाहूंगा, आज जिस तरह के सवाल कोर्ट ने पूछे हैं सबरीमाला ट्रस्ट से, और उसमें यह भी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण था कि क्या परंपरा संविधान से भी बड़ी है, क्या आपको यह लगता है कि यह हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम पर भी अप्लाई होना चाहिए? या पहले तो मुझे यह कहना है कि कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं वो वाकई में बहुत बहुत अहम है, और हम दुनिया भर में अगर एक नज़र डालें और खासकर विशेष रूप से दक्षिण एशिया में और हमारे देश में देखते हैं, तो जिस तरह का हमारा समाज है, तो पितृसत्ता का एक बहुत बड़ा स्रोत धर्म को बना दिया गया है हमारे समाज में। सो जो धर्म के जो संदेश हैं, फिर वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ख्रिस्ती धर्म हो, वो जो बेसिक जो फंडामेंटल धर्म का जो संदेश है उसके साथ ही कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई है ऐसे लोगों के द्वारा जो पितृसत्ता की मानसिकता रखते हैं, जो कटुवादी मानसिकता रखते हैं, और जो मैं अनुमति चाहता हूं ज़किया जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हर देश की अपनी एक पहचान होती है, ये भारत देश है, यहाँ सर्वधर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, इस भारत देश की पहचान है, इसकी धर्म प्रधानता, ये धर्म प्रधान देश है, यहां पर लोग धर्म के लिए अपने आप को अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, यही इस देश की पहचान है। लेकिन शास्त्री जी, शास्त्री जी, आप ये तो नहीं कह रहे कि किसी धर्म में कोई सुधार की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं बोल रहे? आपकी बात से जोड़ के ही बात रख रही हूं, कोई स्थिति नहीं है जिसमें मैं जोड़ के ही बात रख रही हूं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है ज़किया जी, बात मैं ये कह रही हूँ, मैं आपकी बात से जोड़ के ही बात रख रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो धर्म का जो मुख्य संदेश है, फिर वो चाहे हिंदू धर्म हो, जो धर्म का संदेश है, जो सुविचार धर्म है, धर्म में है, हिंदू धर्म में है, पूरी मानवता के लिए है, और पूरी मानव प्रजाति कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे मेल झोल से रहेगी, कैसे आपस में प्रेम भाव से रहेगी, कैसे एक दूसरे को स्वीकारेगी, इस बात में है। दस लक्षण जो धर्म का, जो उसमें पद्म पुराण में 16 लक्षण है, शंकराचार्य धर्म का जो संदेश है वो सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, या तो आपको मान लेना पड़ेगा कि धर्म इतना सीमित है कि उसका संदेश सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। तो ये आप जो परिभाषा कर रहे हैं, ये परिभाषा जो एक संकुचित मानसिकता ने जो धर्म की परिभाषा की है हमारे समाज में, जैसे कि धर्म का संदेश जो है, ज़किया जी, ज़किया जी, मैं थोड़ा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ ताकि बात स्पेसिफिक ही हो, ताकि इधर उधर फैल ना जाए। मुझे प्रॉब्लम आपकी इजाजत के साथ मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ एक मामले में, वो ये कि क्या कारण है कि हाजी अली में महिलाएं वहां तक नहीं जा सकती जहां तक पुरुष जा सकते हैं, एक बात, और दूसरी क्या वाकई नमाज पढ़ने से महिलाओं को रोका जाता है या नहीं? पढ़ रही है कि वो उन्हें जो धर्म के जो बन बैठे जो पितृसत्ता की मानसिकता वाले जो लोग हैं जिनके कंट्रोल में ज़किया जी, ज़किया जी, आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ रहा है ज़किया जी, चाहे दरगाह का ट्रस्ट हो, एक मिनट, केवल हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने वाला सवाल सुनाई पड़ेगा ज़किया जी, ज़किया जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आकाश बोल रहा हूँ, पितृसत्ता की मानसिकता, ज़किया जी, ज़किया जी, मेरा सवाल आपको सुनाई पड़ रहा है, लगता है ज़किया जी सुन नहीं रही इस वक्त, लेकिन बेनीवाल जी मैं आपसे ये भी चीज समझना चाहता हूँ कि आपको ये लगता है कि हिंदू धर्म में भी कुछ चीजें ऐसी कुरीतियां
आ जाती है, हर धर्म में आ जाती है और समय समय पर उनको बदलने की जरूरत होती है और उन परंपराओं को बदलने की जरूरत होती है। आप इससे सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं आकाश, ये गलत बात है, ये धारणा, ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। मैं बता दूं मैं धर्म की छोटी सी परिभाषा बताता हूँ, शास्त्री जी सुन ले, आगे से समझ में आ जाएगी शास्त्री जी को भी। शास्त्री सुन लीजिए, आप एक शब्द की बताता हूँ, आप क्या शास्त्रों को लेकर बैठे, यहाँ आदमी क्या समझेगा बेचारा। आम आदमी को धर्म की बता दूं, धर्म सीधा सा है, एक 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 सृष्टि है, एक इंसान है, पंच महाभूत से ये शरीर बना है, पंच महाभूत से संसार बना है, जो संसार के जो ग्रहण करने लायक वो धर्म है, एक अक्षर का धर्म है। ये आप शास्त्रों को निकाल के पढ़ रहे हैं, अरे सुनने वाला एक मनुष्य है वो ऐसा कंफ्यूज होता है, शास्त्री जी आए ये बता गए, मैं आया ये बता गया, राहुल जी आए ये बता गए, तीसरी जकिया जी आ गई ये बता गए, ये हम भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। शास्त्री जी समझ लीजिए, ये क्या पुराण शास्त्र बता रहे हैं आप धर्म की परिभाषा एक है, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप सनातन धर्म ये पर शास्त्रों को उठा रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, नहीं नहीं आप सनातन धर्म पर अंगुली उठा रहे हैं, आप गीता पर अंगुली उठा रहे हैं, आपकी बात में कोई सुन नहीं पा रहा है, रावण जी को कम करना चाहते हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, धर्म फैला रहे अपने आप और आप भी अपने धर्म फैला रहे अपने लेके कर रहे हैं। दोनों बेटर डाउन कर लीजिए, रावण जी को सुनेंगे, रावण जी को सुनेंगे, बाकी बेटर डाउन कर दीजिए। बेनीवाल जी सुनिए, बेनीवाल जी और शास्त्री जी का बेटर डाउन कर दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये विद्वान आदमी होकर के कैसे लड़ रहे हैं। बोलिए बेनीवाल जी, मैं आपसे चीज, आप कहे धर्म धर्म धर्म, आपने प्राणों को नहीं माना, ये जो आपने कपड़े पहन रखे हैं ये कौन से धर्म में लिखे हुए हैं बताइए, पूछे एक मिनट मेरी, मुझे करने दो ना बहस, ये आपने जो कपड़े पहन रखे हैं इस तरह के, ये किसी पुराण में किसी वेद में कहीं लिखा हुआ है कि संत सन्यासी इस तरह के कपड़े पहनेगा? आप बताइए, मैं जवाब दे दूं? दा दीजिए ना, पर टू द पॉइंट देना, बिल्कुल द पॉइंट दूंगा जी, बताइए टू द पॉइंट, आपकी मैं सम्मान करता हूं, हमारे रावत जी बहुत बड़े जन, हमारे मत करो ये बातें, आप पॉइंट टू पॉइंट बताओ, पॉइंट टू पॉइंट बताओ, मैं पॉइंट बता रहा हूं, जवाब देता हूं मैं आपको। हमारे जो यहाँ पे जो वस्त्र पहने जाते हैं, दो किस्म के वस्त्र पहने जाते हैं, हमेशा देखना साधु संत जना केवल भगवा कपड़े पहनेगा, सुन तो लीजिए आप जब जवाब सुन लीजिए, कौन से पुराण राम जी, सुन तो लीजिए पुराण धर्म में लिखा, अरे सुन तो लीजिए वेद में लिखा, अरे मैं जवाब दे दूं, वेदों के क्या था, मैं आपको जवाब दे देता हूं, अरे जवाब दे रहा हूं मैं, सब आप जितने संत हमारे हिंदुस्तान में हैं, सनातन धर्मी जितने संत हैं, वो इस भगवा कपड़े को पहनना पहनता है, क्यों पहनता है, कौन से वेद में लिखा है, सुन तो लीजिए आप, मैं जवाब दे रहा हूँ, जब आप सुन रहे हैं कौन से वेद में लिखा है, सुन लो, बता रहा हूँ मैं, आप सुन लीजिए, श्री कृष्ण भगवान राधा जी का रंग जो है वो चार वेदों के ज्ञाता हूं, आप कौन से वेद में ये कपड़ा कौन से वेद में लिखा है, ये बहस दूसरी तरफ जा रही है। हरीश अबरोल जी भी हमारे साथ में, हरीश जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि शंकराचार्य जी लगातार एक के बाद एक बयान सीधे सीधे साईं बाबा की पूजा के खिलाफ देते जा रहे हैं, और आपने आज मैं आपको सुन रहा था, पहले आपने एक बात कही थी कि एक बहुत बड़ी साजिश के कारण ऐसा किया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बोलेंगे आप? हरीश अबरोल जी आवाज आ रही है आप तक, आवाज आई हरीश जी? नहीं आई आवाज, अब आई है। अच्छा, शंकराचार्य जो लगातार हमला कर रहे हैं स्वरूपानंद सरस्वती आपके खिलाफ, साईं बाबा की पूजा के खिलाफ, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, या आपने कहा है आज, किसकी साजिश है, किसके खिलाफ है, क्यों है? एक बात आकाश जी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं
आप बोले। मैं दो बातों के लिए आपकी बात सुनना चाहता हूं। एक तो आपने ये कहा कि शनि मंदिर की पूजा में जो महिलाओं को दिलाया गया है सुप्रीम कोर्ट की वजह से वहां से ऑर्डर मिला है, और दूसरा उन्होंने ये कहा शंकराचार्य जी ने कि अगर वहां शनि की पूजा बढ़ेगी महिलाएं करेंगी कि औरतों के साथ रेप के कनेक्शन बढ़ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं शंकराचार्य साहब, उनके अनुयायी भी यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सूखा पड़ा है, जो सूखा पड़ा है महाराष्ट्र में, जो साईं जी की पूजा से होती है इसलिए पड़ा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10 स्टेट्स के अंदर सूखा पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां भी साईं की पूजा होती है? बिल्कुल होती है। आपको एक मिनट हरीश जी, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछा, साजिश किसकी है? साजिश किसकी है? साजिश किसकी है? एक बात में सारी बात खत्म करूंगा। इसके पीछे कुछ राजनीति है, पर्दे के पीछे कुछ और कार्य हो रहा है। शंकराचार्य काली मुखौटा आके देते हैं, पीछे देखो उनको गाइड कर रहा है कोई। कौन है उसके पीछे? क्या कोई राजनीतिक दल है या कोई लोग हैं, कोई संगठन है? कौन है? और ये बताया जाए, इनसे पूछो इस विषय में बात क्यों नहीं करते, ये दूसरे विषय में बात करते हैं, ये किसी की बात सुननी नहीं चाहते। आप मेरी बात करिए, महिला मैं बैठा हूँ, बात पूछिए मेरे से, बोलने नहीं देते। अरे मेरे से पूछिए, मैं जवाब दूंगा। हम जवाब क्या, जहाँ जहाँ शनि के मंदिर, जहाँ जहाँ आपके मंदिर बने साईं के, जहाँ जहाँ पर इस मुर्दे की पूजा हुई है वहां वहां पर सूखा पड़ा है। आपने मंदिर बनवा दिया बद्रीनाथ में, वहां 10,000 आदमी मारे गए, वहां पर बुरा हाल हो गया। और दूसरा ये, जब स्वयं इस्लाम नहीं पूछता कब्र को, तो आप क्यों पूछते? आप साई मंदिर तो पूरे देश में और विदेश में भी है, जहां पर जहां जहां हो रहा है वहां सबका नाश हो रहा है। ये तो अजीब बात है, हमारे शास्त्रों में कब्र की पूजा नहीं होती, हमारे पुराण और वेदों में लिखा है हमारे यहाँ लाश की पूजा नहीं होती। संसार में जाते हैं तो लाश को हिंदू जाते हैं, यहाँ पे साईं के मंदिर और ये लाश की पूजा कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि मेरे यहाँ पे कोई आए, के अंदर कब्र की पूजा नहीं होती, इनकी यही कथनी है, इनकी कथनी है, और ये बहुत फर्क है। उस लाश की पूजा कर रहे हैं जो 150 साल पहले दफनाई गई थी, कम से कम आप उसकी पूजा करिए जो लाश हो। वो हमारा इष्ट है, हमारा ईश्वर है, हमारे माता पिता, हमारे संरक्षक है, हम इसलिए उनकी पूजा करते हैं। जो वहां पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ये आपको बता दूं, भक्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जो वहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ये हमारी भगवान की इसी चैनल पर मैंने कहा था, शनि के साथ हिंदू धर्म की परंपरा चली गई है, हम साईं का नाम उठाकर चलते हैं, शनि के साथ उन को लेकर चलते हैं, शनि के साथ धर्म को लेकर चलते हैं। हमें कौन रोक सकता है? आप नहीं रोक सकता। आप जितनी मर्जी बरगलाने की कोशिश करें, हिंदू रहे हम हमेशा आप उनको कौन मुखौटा काम कर रहा है, कैसे कौन विचार होनी चाहिए धर्म के अंदर? कौन से धर्म में यह बताया है कि कौन सा धर्म गंदा है और कौन सा धर्म अच्छा है? किस धर्म में नहीं बताया गया? रावण जी, रावण जी, शास्त्र जी, आप एक साथ बोल रहे हैं। मेरी बातों का जवाब दीजिए अबरोज जी। हिंदू सनातन धर्मी रहे हैं आप, हमारे यहाँ पर मुर्दे की कब्र की पूजा वर्जित है, आप क्यों करते हैं उस कब्र की पूजा? अब जवाब सुनिएगा। अभी सुनाई नहीं देगा, ये शब्द नहीं सुनाई देंगे दोबारा। वापस पूछ ली हमारे किसी भी शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है,
अगर आप संस्थान जाते हो तो वहां पर जाकर के स्नान करना पड़ता है उसके, और आप उस कब्र पर मत्था टिकाते हो जहां पर हड्डियां अभी भी दबी पड़ी हैं। आप मुर्दे की पूजा कर रहे हो, आप लाश की पूजा कर रहे हो, कोई इसके पास आपके पास प्रमाण है? अच्छा नहीं, नेटवर्क इश्यूज हो भी सकते हैं, इसलिए अब अगर वो दो बार में भी जवाब नहीं दे रहे तो संभव है कि नेटवर्क इश्यूज हो। जकिया जी, पहले आपको भी मेरा सवाल साफ साफ सुनाई नहीं दिया था, अभी सुनाई दे तो जरूर जवाब दे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हूं कि महिलाएं इस्लाम में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती है हर जगह, ये उनका अधिकार है या नहीं है, और क्या उन्हें ये अधिकार दिया जाता है? बिल्कुल, सारी मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकती हैं। और क्या उनको पढ़ने भी दिया जाता है या, क्योंकि कुछ मामले सामने आए हैं, आज मैं बात कर रहा था से, जो कह रहे थे कि इनको कि उनको रोक दिया गया था, जो मौलवी थे उनको रोक दिया गया था, पढ़ने दिया जाता है कुछ जगहों में, लेकिन सब जगहों में नहीं पढ़ने दिया जाता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। जी जी, कुछ जगहों में पढ़ने दिया जाता है, सारी जगहों में नहीं पढ़ने दिया जाता है। अब आप देखें, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज है हज, तो हज करने के लिए जब मुसलमान जाते हैं मक्का मदीना, तो औरतें और मर्द बराबर पूरे काबा तक जाते हैं और पूरी हज अदा करते हैं। लेकिन हजारों की पूजा होती है क्या? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, मैं गालमेल नहीं करना चाह रहा, मैं हिंदू और इस्लाम, हिंदू धर्म और इस्लाम को मैं गालमेल नहीं करना चाह रहा हूँ, ये दो अलग अलग मुद्दे, लेकिन लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ जाते हैं। अंदर आज तक नहीं देखा कि शुक्रवार को उस मस्जिद के पास में महिलाएं जाकर के पुरुषों के साथ नमाज अदा करती हूँ, मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। शास्त्री जी, जकिया तो इसके लिए लड़ी रही है। एग्जैक्टली जी, जकिया बोले, हमारी लड़ाई भी यही है कि जो पुरुषों में और महिलाओं में जो भेदभाव किया गया है मजहब के नाम पर, जैसे कि इस्लाम धर्म का जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो उसमें कहीं ये बात नहीं है कि पुरुष सर्वोपरि है और महिलाएं कमतर हैं। महिलाएं पुरुषों के साथ क्यों सारी अदाएं करना चाहती हैं? ये महिलाओं की ये जिद जो है, हठ है, नारी हठ है कि वो पुरुषों के साथ ही बैठकर पूजा करना चाहती हैं, पुरुषों के बीच में घुस करके पूजा करना चाहती हैं, जहां पुरुष जाएंगे वहां महिलाएं भी बीच में घुसना चाहती हैं। इसके लिए इसका कारण क्या है? एक मिनट, कैसा जा रही नहीं है, नहीं है, सुन लीजिए, नहीं ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। महिलाओं को वंचित रखा गया है, महिलाओं को बाहर रखा गया है, की बात चल रही थी, ये अन्याय है। मैं दोनों धर्मों को इस वक्त जोड़कर देखना नहीं चाह रहा हूँ। मैं एक जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ जकिया जी से, वो ये कि आज जो बात फिर आपने सुप्रीम कोर्ट से सबरीमाला ट्रस्ट के बारे में सुनी, जकिया जी, क्या कोई परंपरा, कोई भी ट्रेडिशन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर बढ़कर हो सकता है? आप इससे पूरी तरह सहमत हैं कि जिस तरह से सबरीमाला से ये सवाल पूछा गया है, इसी तरह जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां भी पूछा जाना चाहिए और बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये आपकी लड़ाई है? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और पूछा जा रहा है। खुद हमारी याचिका है बॉम्बे हाईकोर्ट में, हाजी अली में मजार में जाने से हम महिलाओं को रोका गया था, उस बारे में खुद हमारी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में है, जिसमें जजमेंट आना अभी बाकी है। अब सवाल ये आता है कि जो परंपराएं हैं, जो कस्टम्स हैं, वो ट्रेडिशंस हैं, अगर वो आधी मानव जाति को अगर वंचित रखती हैं या बाहर रखती हैं, तो ये किस किस्म की मानसिकता है? ये जो संकुचित मानसिकता है, जो पितृसत्ता से भरी है, जितने भी इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। उन्होंने कहा है कि वहाँ कब्र होती है, कब्रों में हम अपनी एक मिनट, ये दूसरा मसला, इस पे मैं नहीं आ रहा हूं। नोटियाल जी, कब्र की पूजा नोटियाल जी, आपसे जानना चाहूंगा वहां पर कि ट्रेडिशनली सभी धर्मों में एक एक करके ऐसी बातें क्यों सामने बार बार आती हैं कि महिलाओं को बराबर का हक नहीं दिया जा रहा है? बार बार ये बात सामने क्यों आती है और वो सभी बड़े धर्मों में सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो जुडाइज्म हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। बिल्कुल, क्योंकि जो धर्म के जी, नोटियाल जी, सवाल है, मैं लौटूंगा आपके पास, सत्ताधीश है। नोटियाल जी, आप बोले जी। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, वो बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। देखिए, जो औरतों को
ये मैं विकास बोल रहा हूँ, विकास नोटियाल, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैं बोलूँ नोटियाल जी, आप ही बोले 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 जी। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें ये समझना होगा कि औरतें जो हैं 50% हैं तो उनको बराबरी देनी होगी क्योंकि वो इंसान है। दूसरी बात, जो औरतें बदलाव की बात कर रही हैं अभी वो धर्म के अंदर कर रही हैं, उनको ये समझना होगा कि संविधान उनको ये हक देता है कि वो किस धर्म को चुने और वो बिना धर्म के भी रह सकती हैं। संविधान तो उन्होंने थोड़ा बोल्डली सिर्फ ये कहना है कि हम उस भगवान को चुनेंगे, उस धर्म को जो बराबरी की बात करेगा। अगर ऐसा कोई धर्म और भगवान नहीं है तो नहीं चुनेंगे। अब धर्म के अंदर से अगर वो लड़ेंगी बराबरी की बात करेंगी तो ये लोग उनको बराबरी नहीं देंगे क्योंकि जैसे ये बराबरी मांगेगी तो वो धर्म नहीं रहेगा क्योंकि वो धर्म तो पुरुष है, भगवान पुरुष है। 26 जनवरी 1950 में होगी कि उनको धर्म से हटा के लड़ाई लड़नी होगी, धर्म के अंदर लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। 26 जनवरी अलग होती है। मेरे पास समय समाप्त हो गया है लेकिन इस तरह की बात धर्म के सामने आने में याद दिलाना चाहूंगा, कोई परंपरा क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू प्रे दे रहा है, जो आपकी पूजा पद्धति के अंदर बराबर का हक संविधान देता है, क्या उसको रोकने का कोई कारण है? ये एक बड़ा सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पूरे देश से ही पूछा है और इसमें हम सबको सोचने की जरूरत है। सारे मेहमानों को धन्यवाद, लेकिन दर्शकों की राय देखना आज बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल था क्या शंकराचार्य का सूखे और रेप के लिए साईं और शनि पूजा को जिम्मेदार ठहराना सही है? हजारों की संख्या में हमें मैसेज मिले हैं, 30% दर्शकों ने हां में जवाब दिया है, 70% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। इसी तरह ट्विटर पर भी हमने यही सवाल पूछा था और वहां भी 22% दर्शक ही हैं जो हां में जवाब दे रहे हैं, 78% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है।